नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय और ये चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 यानी पार्ट 10। पार्ट 10 में सबसे बढ़कर कौन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक कविता है, कविता के लेखक हैं रमापति शुक्ल। ये इस कविता के हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे कि एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है, यानी कुछ जितना है उसको कंप्लीट कर देना, बाद में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना दूर तक पढ़ाया जा रहा है पढ़ाने के समय में आप लोग क्या करोगे, अपना बुक सामने में रखोगे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोग बुक देखोगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखोगे और पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, सबसे बढ़कर कौन, ठीक है। तो संसार में अनेक चीज हैं, संसार में बहुत सारी चीज हैं, किंतु ईश्वर की बनाई सृष्टि में मानव ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन संसार में बहुत चीज़ें हैं यानी बहुत सारे वस्तु हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी और हवा, यानी प्रकृति, भगवान का दिया हुआ है जितना भी है वस्तु, वो सब को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। और मनुष्य जो बनाते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो भगवान का दिया हुआ यहाँ पर बहुत कुछ है, तो उसमें से हम क्या कहें ईश्वर, किंतु ईश्वर की बनाई सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मानव ने भी जो वस्तुएं बनाई हैं उनमें से कोई भी वस्तु मनुष्य पे स्थान नहीं ले सकती है, यानी मनुष्य ने जितना भी वस्तु बनाई है तो उनमें से जितना भी वस्तु बनाए हैं तो उनमें मानव का जगह हो जितना भी वस्तु वो ले नहीं सकते, ठीक। क्योंकि केवल मनुष्य को ही ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, किस लिए ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धि और विवेक प्रदान किए, उसी बुद्धि के बल पर ही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो मनुष्य किस लिए श्रेष्ठ कहलाता है, मनुष्य के पास में बुद्धि है, विवेक है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं कविता सबसे बढ़कर कौन। तो यहाँ पर एक कविता है, इसको पढ़ते हैं, अपना बुक देखो पेज नंबर 71। अल्पिन के सिर होता पर बाल ना होते उसके एक। अल्पिन जो है आप लोग देखे होंगे, अल्पिन यहाँ पर है चित्र में, आप लोग देखो यहाँ पर चित्र में अल्पिन है, इसके सिर होते हैं लेकिन इसके क्या नहीं होते, पर बाल ना होते उनके एक, यानी अल्पिन रहता है लेकिन उसके एक भी बाल नहीं रहते, लेकिन उसका सिर रहता है। कुर्सी के दो बालें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। लेकिन कुर्सी जो है, यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हैं ये कुर्सी है, इसके दो बाहें होते हैं, यहाँ पर एक बाहें और यहाँ पर एक बाहें, लेकिन ये क्या नहीं खेल सकते, गेंद नहीं खेल सकते या फेंक नहीं सकते, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये लोग निर्जीव हैं, अल्पिन भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, इसका जीवन नहीं है। जीवित अल्पिन के सिर होता पर बाल न होते उसके एक, कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। यहाँ पर अल्पिन के सिर होते हैं उसके बाल नहीं होते, लेकिन कुर्सी के दो बाहें होते हैं उनके, वो गेंद नहीं फेंक सकता। फिर कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना। कंघी आप लोग देखे हैं जो बाल कंघी करते हैं, तो कंघी के क्या होते हैं, दांत होते हैं। यहाँ पर कंघी देख रहे हो आप लोग, तो कंघी के क्या है, यहाँ पर दांत हैं, लेकिन ये चबा नहीं सकती, यानी ये जो कंघी है ये क्या कर नहीं सकती, वह चबा नहीं सकती खाना, यानी जो कंघी वो खाना को चबा नहीं सकती। गला सुराही का पतला है किंतु गा नहीं सकती गाना। तो जो आप लोग सुराही देखे हो, तो सुराही में क्या करते हैं, यहाँ पर सुराही में पानी वानी डालते हैं यहाँ पर, तो ये सुराही के गला है, ठीक है। तो सुराही के गला क्या है, पतला है, तो ये गाना गा नहीं सकती है, ठीक है। होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता। तो जो घड़ा है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर घड़ा, तो घड़ा का मुंह बड़ा है लेकिन वो बोल नहीं सकता, मुंह बड़ा होकर भी ये बोल नहीं सकता। चार पांव टेबल के होते हैं पर वह डोल नहीं सकता। टेबल के चार पांव हैं यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेबल के चार पांव हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, डोल नहीं सकता, ठीक है। जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता। जूते जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके जो है यहाँ ये जीभ है, तो ये क्या नहीं कर सकता, स्वाद नहीं चख सकता। जूते जो है वो क्या नहीं कर सकते, स्वाद नहीं चख सकता। आंखें रहते हुए नारियल कभी ना कुछ लग सकता है। लग का मतलब यहाँ पर है देखना, यानी आंख रहते हुए भी नारियल के, हम लोग जब नारियल छीलते हैं तो क्या होता है कि उसके दो आंख और छोटा समूह, यानी ऐसे रहता है जब नारियल हम छीलते हैं, ये नारियल है तो नारियल यहाँ पर ऐसे दो बिंदु यहाँ पर एक ऐसे रहते हैं, तीन बिंदु रहते हैं, ठीक है।
इस तरह से रहते हैं, यानी ये दोनों आंख है लेकिन वो नारियल की आंख रहते हुए भी वो क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। आखिर जो है भी नारियल कभी न कुछ लग सकता है, मनुष्य के पास सभी कुछ ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो क्या है कि उसके पास में सब कुछ है और वो सब कुछ ले सकता है, सबसे काम करवा भी सकता है, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर कौन है, मनुष्य ही सबसे बढ़कर यहाँ पर है। दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम, यानी मनुष्य के ही नाम दुनिया में सबसे बढ़कर है। ठीक है, तो ये कविता है, तो इसका जो शब्दार्थ है यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या है, रचना यानी संसार, संसार का क्या बोलते हैं सृष्टि। बाहें, बाहें का मतलब भुजा या बाहु, बाजू हाँ भी बोलते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब क्या है उत्तम। लक, लक का मतलब क्या है देखना। ठीक है, तो यहाँ पर पिन है, एक पिन है, और पिन आप जैसे किसी में लगाने के लिए उसको हम लाते हैं, तो वो पिन, पिन में क्या है कि पिन का सिर है फिर भी वो उनमें एक भी बाल नहीं है। तो ये क्या है कि पिन का सिर है तो ये भी बाल नहीं है, और इधर कुर्सी, कुर्सी का दो बाहें, बाहें का मतलब ये है यहाँ पर क्या बाजू यानी हाथ, बाजू रहते हुए भी वो क्या नहीं कर सकता, गेंद को फेंक नहीं सकता। उसके बाद में क्या है कि कंघी, कंघी के दांत रहते हैं, दांत रहते हुए भी वो चबा नहीं सकता। फिर इधर सुराही, सुराही का पतला गला रहते हुए भी वो गाना गा नहीं सकता। और इधर घड़ा, आप लोग को घड़ा देखो तो घड़ा का मुंह बड़ा रहता है, घड़ा का मुंह बड़ा रहता है, घड़ा का मुंह बड़ा रहते हुए भी वो क्या नहीं कर सकता है, बातचीत नहीं कर सकता। और फिर क्या है उसके बाद में मेज यानी टेबल, टेबल के चार, चार यहाँ पर टेबल क्या होते हैं पांव, टेबल के चार पांव होते हैं पर भी वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, यानी हिल डुल नहीं सकता, एक जगह से दूसरे जगह वो जा नहीं सकता। इसलिए क्योंकि इसमें मनुष्य भगवान जो है वो क्या नहीं दिए हैं, इसमें जी जीव नहीं दिए, यानी उसको जीवित नहीं किए हैं, यानी ये सब मृत है। ठीक है, चार पांव टेबल के होते हैं पर वह डुल नहीं सकते। फिर जूते हैं, जूते हैं जीव, जूते के हैं जीव मगर वह स्वाद नहीं चख सकता, लेकिन जूते जो पहनते हैं हम लोग तो उसमें क्या रहता है, जीव रहता है लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, स्वाद नहीं चख सकता। आंखें रहते हुए भी नारियल के बिना कुछ लग सकता है, यानी नारियल जो है उसकी आंख रहते हुए वो क्या नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता। तो ये सब क्या है, इनमें यानी दुनिया में बहुत सारी चीजें, दुनिया में संसार में अनेक चीजें हैं, किंतु ईश्वर की बनाई सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी इतना सब कुछ रहते हुए भी इन लोग कुछ नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य ने भी जो वस्तुएं बनाई हैं उसमें से कोई भी वस्तु मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि यानी मनुष्य ने जितना भी यहाँ पर संसार में बनाया है, जैसे कि बहुत कुछ बनाते हैं मनुष्य, यहाँ पर पेड़ पौधे को छोड़ करके, पानी को छोड़ करके, हवा को छोड़ करके, जितना भी है ना प्रकृति को की जितना भी वस्तु है उसको सबको छोड़ करके जितना भी है वो सबको मनुष्य बनाते हैं, लेकिन मनुष्य उसमें क्या नहीं डाल सकते, जीवन दान नहीं डाल सकते जीव। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो यहाँ सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल मनुष्य को ही ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है, जो मनुष्य है ना उसको केवल भगवान ने बुद्धि प्रदान की है, तो मनुष्य हर कुछ बना सकता है और हर कुछ काम कर सकता है, अब काम करवा भी सकता है, बोल भी सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, और खेल भी सकता है, कुछ काम कर भी सकता है, पढ़ भी सकता है। यानी मनुष्य ये सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य के पास में बुद्धि है, विवेक है और बहुत कुछ है, तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाकी जो है वो कुछ नहीं कर सकते। पिन के पास में सर है पर उसके एक भी बाल नहीं है, कुर्सी के पास में हाथ है लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, गेंद भी फेंक नहीं सकता। ये सब है, कंघी के पास में दांत है लेकिन वो चबा नहीं सकता, और सुराही के पास में अच्छी पतला, सुराही का गला जो है वो पतला है, यहाँ पर सुराही आप देख रहे हो इसका गला पतला है फिर भी ये गा नहीं सकता, गा नहीं सकती। फिर यहाँ पर घड़ा, घड़ा का मुंह बड़ा है लेकिन वो बोल नहीं सकता, और यहाँ पर टेबल जो है, टेबल के चार पांव हैं लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं सकते, यानी एक जगह से दूसरे जगह भी जा नहीं सकता। जूते के जीभ रहते हुए भी वो स्वाद चख नहीं सकता, आंख रहते हुए भी नारियल कभी
कुछ देख नहीं सकता है। तो ये सब कुछ छोड़ करके, जितना भी दुनिया में है सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर मनुष्य ही श्रेष्ठ है, ठीक है। तो मनुष्य किस लिए श्रेष्ठ हुआ यहाँ पर, क्योंकि उसे भगवान ने क्या दिए हैं, बुद्धि विवेक और बहुत कुछ दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, और मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ उसके बुद्धि के बल से जाना जाता है, ठीक है। जितना भी मनुष्य है ना, तो उनके सब मनुष्य के, जितना भी संसार में मनुष्य है, सबके चेहरे को भगवान ने अलग अलग दिए हैं, सबके बुद्धि को अलग अलग दिए हैं। कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा काम कर सकता है। तो इस तरह से भगवान जो है तो मनुष्य के हर एक प्रकार, हर मनुष्य को अलग अलग उनके अंदर में कुछ ना कुछ प्रतिभा दिए हुए, ठीक है। तो जो भी मनुष्य है उसके प्रतिभा से उनको जाना जाता है, मनुष्य अपने प्रतिभा से जाने जाते हैं। यानी कोई अच्छी कारीगर बन जाता है, कोई अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा और कुछ कुछ बन सकते हैं। तो मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक से ही कुछ ना कुछ बन सकते हैं, और उसके परिचय हम लोग उनसे ही जाने जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर 10 सबसे बढ़कर कौन, ये कविता यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको एक बार और पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना और समझना है आप लोग, ठीक है। अपना बुक पेज नंबर 71 निकालो, मैं जहाँ पर पढ़ रहा हूँ वहाँ पर आप लोग उंगली रख के जो पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग भी देखना है, ठीक है। एक बार पढ़ो मेरे साथ। अल्पिन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक, कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक, कमी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना, गला सुराही का पतला है किंतु गा नहीं सकती गाना, होता है मुंह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता, चार पांव टेबल के होते हैं पर वह डोल नहीं सकता, जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता, आंखें रहते हुए नारियल कभी न कुछ लग सकता, हे मनुष्य के पास सभी कुछ ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। तो मनुष्य का किस लिए सबसे बढ़कर नाम हुआ है, क्योंकि जो मनुष्य है ना, तो यहाँ पर संसार में जितना भी वस्तु है उन सब जितना भी वस्तु है, प्राणी है, यानी पशु पक्षी भी क्या है, एक प्रकार का प्राणी है। तो उन जितना भी पशु पक्षी प्राणी या फिर वस्तु जितना भी है दुनिया में, उन सबसे बढ़कर के कौन है, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के जो हाथ है वो कुछ काम कर सकते हैं, मनुष्य की आंख है वो सब कुछ देख सकते हैं, मनुष्य की बुद्धि है और उस बुद्धि को कुछ काम में लगा सकते हैं, मनुष्य के पैर है वो चल सकते हैं, मनुष्य के दांत वो चबा सकते हैं, मनुष्य के गला है वो अच्छे स्वर में गा भी सकते हैं, मनुष्य के सब कुछ है लेकिन वो सब कुछ कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर मनुष्य क्या हुए, यहाँ पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हुए। तो यहाँ पर कविता के कवि कौन है, यहाँ पर रमापति शुक्ल, यहाँ पर रमापति जो शुक्ल है ये कविता के कवि है, कवि अच्छे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो कविता है ना इसको अपने बुक को देख करके एक एक पैराग्राफ यानी एक एक लाइन को अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो कविता है इसको आप एक एक बार पढ़ोगे तो आप लोग के समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर जो कठिन शब्द है उसको देखना और उसके यहाँ पर उत्तर भी दे दिए हैं, ठीक है। जो कठिन शब्द है उसके अर्थ भी यहाँ पर दे दिए हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। यानी मनुष्य किस लिए श्रेष्ठ हुआ, मनुष्य की बुद्धि है, विवेक है, मनुष्य जितना भी संसार में जितना भी वस्तु है मनुष्य उसको बना सकते हैं। वो जैसे कि अभी मनुष्य के पास में दिमाग है तो वो क्या कर सकता है, एक गाड़ी बना के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी बनाते हैं, जैसे कि बाइक बनाते हैं, और उससे और जल्दी पहुंचने के लिए क्या बनाते हैं, सुविधा थोड़ा बड़ा और सुविधा दे करके उसको यानी कार बनाते हैं और कुछ कुछ बस वस भी बनाते हैं, है कि नहीं। और जैसे आसमान में उड़ने के लिए मनुष्य ने क्या बनाया है, यहाँ पर आसमान में उड़ने के लिए मनुष्य ने हवाई जहाज बनाया है, पानी में चलने के लिए मनुष्य ने पानी जहाज बनाया है कि नहीं। मनुष्य उड़ नहीं सकते लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर भी जा सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक आजकल हमारे जो वैज्ञानिक है वो बहुत कुछ उन्नति करते हैं, उन्नति कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे जो पृथ्वी है ना उनमें अच्छी तरह से उनके बारे में जान सके मनुष्य, उसके बारे में यहाँ पर मनुष्य जितना भी है तो उन लोग अपने सुविधा के हिसाब से जितना सकते हैं यानी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं और धीरे धीरे मनुष्य का डेवलप हो रहा है, ठीक है। विज्ञान के हिसाब से यहाँ पर बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, मनुष्य पानी के अंदर में भी आजकल
पानी के अंदर में भी कुछ पानी के अंदर में जाकर भी वहां पर कुछ सर्च करके ला सकते हैं, वहां से समुद्र के अंदर में भी जा सकते हैं। मनुष्य के जितना भी बुद्धि है ना वो क्या करते हैं अपने काम में लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ हुआ। मनुष्य के पास में हर कुछ है, यानी सब कुछ है। मनुष्य ऐसा एक व्यक्ति है जो कि अपने दिमाग से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मनुष्य यहाँ पर श्रेष्ठ है। तो संसार में अनेक चीज है, आप लोगों को पता है संसार में अनेक चीज है, और किंतु ईश्वर जितना भी यहाँ पर बनाया सृष्टि बनाई सृष्टि में मानव ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में जितना भी है सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है, भगवान यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ किसको दिए हैं, यहाँ पर मनुष्य को ही सबसे श्रेष्ठ माने हैं। तो मनुष्य ने भी जो वस्तुएं बनाई हैं उनमें सबसे कोई भी वस्तु मनुष्य के स्थान नहीं ले सकता। तो दुनिया में जितना भी मनुष्य ने मनुष्य बनाया हुआ जितना भी सामान है वो मनुष्य की जगह नहीं ले सकती कभी भी, क्योंकि केवल मनुष्य को ही ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। इसने मनुष्य को बुद्धि प्रदान करने के लिए किए हैं, तो उसके हिसाब से मनुष्य क्या नहीं कर सकते कि उनके जगह कोई भी नहीं ले सकते। मनुष्य की जगह एक मनुष्य की जगह में कोई भी मशीन या कोई भी पशु पक्षी उनके जगह नहीं ले सकते। इसलिए क्योंकि मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य देख सकता है, मनुष्य पढ़ सकता है, मनुष्य अपने हाथ से कुछ काम कर सकता है, मनुष्य अपने पैर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन पशु जा सकते हैं, पशु जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है। पक्षी भी हैं, जितने भी हैं चिड़िया हैं पक्षी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो इनमें दिमाग सबसे ज्यादा किसका है, मनुष्य है। मनुष्य जो है उनका दिमाग सबसे ज्यादा है और तेज है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है पार्ट 10 सबसे बढ़कर कौन, तो सबसे बढ़कर यहाँ पर कौन हुए, मनुष्य ही सबसे बढ़कर हुए, ठीक है। सबसे बढ़कर मनुष्य ही है क्योंकि उसके बुद्धि और विवेक सबसे अलग है और उसके जगह कोई नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका जो शब्दार्थ है इसको आप लोग क्या करोगे, पढ़ोगे, ये जो कविता है उसको भी पढ़ोगे, तब जाके आप लोग का पढ़ने का अभ्यास होगा, और धीरे धीरे आप लोग जो पढ़ने नहीं आता तो उसको अपने घर में अपने बड़ों से पढ़ने के लिए बोलोगे, या फिर जब स्कूल खुलेगा तब हमसे पूछना कि कहीं पर अगर डाउट रहेगा तो हमसे ही पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन, ये कविता से हमें क्या संदेश मिलता है कि संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्यता अपनाओ, मनुष्य बनो। तो संसार में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है और मनुष्यता अपनाने के लिए हमें यहाँ पर बोला जा रहा है और मनुष्य ही बनने के लिए, ठीक है। तो ये कविता समाप्त हो चुका, और इसको आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को पढ़ करके याद करना है, ठीक है। ये कविता पढ़ने के बाद में हम लोग इसका जो अभ्यास कर लिया है ना ये सब करेंगे, ठीक है। बाह्य होने पर यहाँ पर मौके को मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उचित लय के सामने कविता पाठ कीजिए, सोचिए और बताइए। यहाँ पर बाह्य होने पर भी कुर्सी गेंद क्यों नहीं फेंक सकती, बाह्य होने पर भी कुर्सी गेंद क्यों नहीं फेंक सकती, क्योंकि कुर्सी के बाह्य होते हैं लेकिन वो क्या है, निर्जीव है, वो निर्जीव है इसलिए वो गेंद नहीं फेंक सकती। जीव होने पर भी जूता स्वाद क्यों नहीं चख पाता, जीव होने पर भी जो है जूता वो स्वाद क्यों नहीं चख पाता, क्योंकि वो निर्जीव है, वो कुछ खा नहीं सकते कि पी नहीं सकता, इसलिए वो स्वाद क्यों स्वाद को भी चख नहीं सकता। कौन चार पैर होने पर भी नहीं डूब सकता और क्यों, यहाँ पर टेबल जो है वो चार पैर होने पर भी नहीं डूब सकता क्योंकि उसके अंदर में जीव जीव नहीं है, ठीक है। दुनिया में सबसे बढ़कर कौन है और क्यों, दुनिया में सबसे बढ़कर मनुष्य है क्योंकि उसके बुद्धि विवेक है, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर मनुष्य ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर को मैं समाप्त कर चुका हूँ, यानी पढ़ा करके ये खत्म हो गया। पार्ट 10 सबसे बढ़कर कौन कविता है, कविता है ये, और ये कविता के कवि कौन है, रमापति शुक्ला। तो इसको आप लोग जो कविता है इसको पढ़ोगे आप लोग 3 बार 4 बार या 5-6 बार जब तक याद नहीं होता तब तक पढ़ते रहोगे, और पढ़ने के बाद में या फिर याद नहीं होगा तो एक काम करना कि आप लोग का जो रॉ कॉपी है ना रॉ कॉपी में क्या करोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, तब जाके आप लोग का लिखने में भी हैंडराइटिंग सुंदर होगा और पढ़ने में आप लोग का याद होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ोगे और याद रखोगे कविता को।